आदित्य के द्वारा जोनाथन यहाँ पे फिनिश स्टील जरूर से कर सकते हैं एंड लेट्स सी क्या नहीं उन्होंने शॉट्स लिए बट जो गॉड का जो फिनिश है वो एडमिनो को जरूर मिला टैप 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 सुपर बॉय को उन्होंने दिया जरूर बट मिड वेव के डायनोसिस का वो नॉक और वो फिनिश भी सिक्योर किया जाएगा जोनाथन ही ट्राइड टू गेट द फिनिशेस बट वहां पर वहीं दूसरी तरफ गॉड्स रेन की फाइट चलती हुई टीम एक्स पार्क के साथ वहां पे सारंग ने डाउन किया है ब्लेज को देखना ये कि निंजा जॉर्ड अब वो क्या यहाँ पर रिवाइवल देते हुए नजर आएंगे जी नहीं जरूर से बट अभी स्लग उन्होंने डाउन किया गॉड्स के ओवेज को ग्लोबल वर्सेस गॉड रेन पूरी तरीके से यहाँ पर होता हुआ प्लेस जिन्होंने बीस को नॉक किया बट स्लग हल्के हल्के करके ग्लोबल ईस्ट बोथ मुझे लगता है क्या एलिमिनेट कर चुकी है यस पूरी तरीके से इस लॉबी से भेजेगी गॉड रेन को बाहर 15वें पोजीशन पे एक अच्छा गेम तारीफ करनी पड़ेगी जिस प्रकार से वो कंसिस्टेंसी और फायर पावर को मेंटेन करते हुए बिल्कुल अपने प्लेयर्स को सही जगह पे अभी भेजते बट फिलहाल के लिए सोल के खाते में जाता हुआ नजर आएगा तमिलास का एलिमिनेशन पर दिक्कत ये कि अब टीम ओरैंगुटन को डायरेक्टली स्लैमिंग करना पड़ेगा बट फियर्स तैयार है ही इज रेडी एक और फिनिश जुड़ता हुआ टीम रेवरेंट के खाते में और ये एक बेहतरीन गेट कीपिंग का मुजाहिरा बट अपोलो को टेकडाउन किया जाएगा और अभी भी वो फाइट बैक करने की कोशिश ओरैंगुटन के द्वारा जहां पर अपोलो को फिनिश भी किया गया अपोलो को डाउन किया था ड्रैगन ने बट जो नेड आया सेंसे का उसी से वो फिनिश हो गया फिलहाल क्लेम जो को डाउन किया जाएगा खत्म किया जाएगा फियर्स को भी यहाँ पे एश के द्वारा सरप्राइजिंगली पकड़ा गया तो जरूर है इकलौते प्लेयर सेंसे बचे नेड्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं उनके हाथ में यूएपी डाउन करेंगे एंग्री एप को एंड आई थिंक सो इट्स अ वन विक्सी को डाउन करेंगे नाउ इट्स अ 2v2 लेट्स सी इस पावर का स्प्रे बट डायनोसिस यहाँ पे रिटेलिएट करने में डायनोसिस को भी डाउन किया जाएगा इस पावर के द्वारा एंड कैन इट बी यस इट्स अ 1v3 सीपी वहां पे गॉड्स के निंजा जॉर्ड को वहां पे डाउन करेंगे तो कुल मिला के गॉड्स के लिए मुकाबला उतना ज्यादा बेटर नहीं बट ब्लाइंड का ये रोटेशन फंसते हुए हमें देखने को मिलेगा रॉनी को गवा चुके थे इस पावर भी वहां पे जो पिछले मुकाबले में 8 टोटल फिनिशर निकाले थे मानिया निकलने की कोशिश कर रहे लेकिन एचपी काफी ज्यादा कम रिकवर करने का वो टाइम मिल जाएगा और ग्रेनेड वो एक मौका बन सकता है यहाँ पे टीम रेवेनेंट के लिए बट सामने से भी वो ग्रेनेड्स आ रहे हैं फियर्स को काफी ज्यादा डैमेज जी हाँ आगे बढ़ते नजर आएंगे फियर्स उस डबल बैरल शॉटगन के साथ अपने आप को हील भी करना है भाई टीम ओरैंगुटन की बात करें अभी भी वो जो रिवाइवल है वो इनिशिएट हुआ नहीं चलिए एक ही ओपी ने वो रिवाइवल इनिशिएट किया विज गॉड ने वो टाइम बाय किया बट अब विज गॉड अकेले फंस चुके हैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर टेक डाउन किया जाएगा विज गॉड को उनका श्रिंक भी हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है मल्टीपल ग्रेनेड्स और स्मोक करके रेवेनेंट के ऊपर अटैक करने का प्लान रहेगा ये काफी बेहतर ग्रेनेड साबित हो सकता है बट सामने से इसके कुछ अच्छे फटके ट्राई करेंगे कुछ अच्छे मौके बने जी हाँ बनाओ एमजे को फिलहाल वहां पे डाउन करने में कामयाब केवल दो खिलाड़ी लेकिन फियर्स ये एक एक करके सारे प्लेयर्स को समाप्त करते चले जा रहे हैं ऑलरेडी उनके पास 3 फिनिशेस है और ये आखिरी खिलाड़ी को भी समाप्त करेंगे तो वो क्लच होगा जी हाँ एक क्लच करके दिखाया गया नॉकआउट किया गया शैडो नीचे जाने की क्या जरूरत पड़ गई बट हो जाएगा सर्कल आप देखिए जरूर से अब इनसे दूर जाता हुआ हल्का सा प्रॉब्लम हो सकता है जी हाँ लग तो ऐसा ही रहा था लेकिन गॉब्लिन यहाँ पे डाउन कर देंगे ओमेगा नियो केवल 2 खिलाड़ी वहां पे बचे हुए ग्रेनेड्स बार बार यहाँ पे ग्रेनेड्स थ्रो करते हुए उनके ऊपर ओमेगा यहाँ पे स्मोक करे ताकि वो विजन पूरा ब्लॉक करके रख सके शैडो डोमिनेशन में आते हुए 3 टोटल फिनिशर निकाले गए और 4 टीमों के बीच में मुकाबला स्प्रे काफी कंट्रोल में देखने को मिला कनेक्शन मिलेगा मुश्किलें बढ़ती हुई एलिमिनेट होते हुए इस मुकाबले से 2 अलग अलग डायरेक्ट को करेगा डाउन चीजें बदलने का क्या वो एक मौका रह सकता है दीजिए एक और ग्रेनेड अल्टा की तरफ से चला जरूर से था मगर नहीं जस्टिन का वो ग्रेनेड जाएगा जस्टिस करेगा समाप्त करेगा और इसी के साथ टीम एक्स पार्क पहली टीम बनती हुई जो इस लॉबी को छोड़ के जाएगी बाहर सारी फाइट्स को अवॉइड करते हुए जाने के प्रयास करते लेकिन ये बग्गी नहीं पलटनी चाहिए थी दिस कैन एक्चुअली बी अ ह्यूज ब्लंडर डैमेज दिया हर्ष की एचपी कम की वो और थोड़ी बहुत एक आध गोली और चलिए एश के तरफ से वो कनेक्शन आता हुआ दिखेगा क्या ये पहला फिनिश बन सकता है टीम ओजी के लिए क्या ये पहला फ्रैग बन सकता है जी हाँ लेकिन नहीं तमिलास वो आएंगे और स्टील करने ले जाएंगे इस फ्रैग को ना आ जाएगा क्योंकि प्लेस मात्र एक ही बचा हुआ और वो भी एलिमिनेट होता नजर आएगा कि वो भी एक ग्रेड आपको यहाँ पे डालते दिखे जरूर से कोई खास फायदा होता दिखेगा नहीं डैमेज दिया मगर प्लेयर्स वो अंदर एंट्री करना चाहते हैं डीपीएस है मगर नहीं गॉब्लिन निकलना चाहते थे बचना चाहते थे मैक्स की वो मैक्सिमम एफेंसिव वाली स्प्रेयर्स आप देखिए जिस तरीके से डाउन किया मगर नियो के तरफ से वो टीबीएस के फटके गेम को अभी भी बात करेंगे डाउन और अब यहां से वो फाइट चलती हुई दिखेगी जरूर आपको
जीडीआर के लिए दिक्कतें थोड़ी ज्यादा होती हुई जेली की तरफ से भी आपको लगातार वो ग्रेट चलती है, मगर डेस्ट्रो रुकने का नाम नहीं ले रहे, वो भी ग्रेट रुक रहे और ओआर मैक को भी समाप्त किया जाएगा। एक बेहतरीन पुश आता हुआ ओजी की तरफ से, लेकिन टीम सोल के नियो ये वो खिलाड़ी है जो अभी भी खड़ा है, ये वो खिलाड़ी है जो अभी भी लड़ रहा है। तीन फिनिशेस है, मोरोटॉप लगेगी, अब सर्वाइवल नामुमकिन हो चुका है। फर्स्ट चेयर लगाई गई, नो द गाय इज स्टिल सर्वाइविंग, द प्लेयर इज स्टिल सर्वाइविंग, अभी भी जान बाकी है। वो बूस्टर्स लगेंगे, वो मैच लगेंगी और ये खिलाड़ी अभी भी रणभूमि में टिका हुआ दिखेगा आपको। बट नो, लाइक ऑलरेडी यहां पर इस चीज को आग चुकी थी, खिलाड़ी स्लग को डाउन किया, बैक ऑफ द टीम हैज बीन टेकन डाउन, G20 डाउन आपको वो भी देखेंगे, पीछे से टीम सोल भी आ चुकी है, दोनों दिशाओं से एक सैंडविच सिचुएशन जी। No. वो 20 में फंसते देखेंगे, 20 का कंफर्मेशन आ चुका है, दूसरे खिलाड़ी को ऑलरेडी नॉकआउट कर दिया गया है, दो मात्र प्लेयर्स बचे अभी यहाँ पे, देखना है कि क्या निंजा बॉय और मवी कुछ अलग कर सकते हैं। नहीं, लाला का कंफर्मेशन आता देखेगा, जरूर से बात करते हैं, अभी क्रिया का एक्सेस मिलेगा। अब इस चीज को बोल गए कि बाकी प्लेयर्स भी आपको देखेंगे, दूसरे जॉनथन एक पुश आता हुआ देखेगा टीम रेवरेंट की तरफ से, कोशिश निकले डालने की, एक अच्छा डीपीएस करेक्शन बट अ गुड ट्रेड गेम, खत्म करते देखेंगे गॉडलाइक के जॉनथन को भी। एक आखिरी खिलाड़ी ऐश वो हील अप करके रीसेट करने में सक्षम रहेंगे, ड्रीम्स को देखा ऐश, यहां से अगर एक ग्रेनेड जाती शायद अली काले आदमी ऊपर आएंगे, ये ऊपर लाने गलत कर सकते हैं, मगर अपने खिलाड़ियों को गवाते चले जा रहे हैं। दूसरे पे ड्रीम्स की बात करें, एक वन वी वन का बैटल जहां पे एक ही नॉक कर दिए जाएंगे, ओएस को वहां पे समाप्त किया जाएगा। अरे आप उठिए, प्रेस करिए, कंफर्म करिए उन सारे फ्रैक्स को, और जी हां, गमला बॉय कमिंग आउट टॉप, गेटिंग ऑल ऑफ दोस वैल्यूज, मगर माइटी डाउन उन्हें भी किया जाएगा। ट्रॉय ट्राइंग हिज बेस्ट टू एंटर द सर्कल, सीक्रेट सभा पर उनका भी टीम लाइन, ट्राइंग टू एंटर टीम लाइन, ट्राइंग टू गेट ऑल ऑफ दोस फ्रैग्स, और मान्या वो उस आखिरी फ्रैग को भी ले जाते, मौका नहीं छोड़ना चाहते, हर एक फ्रैग वो हमारी टीम के नाम पे होना चाहिए, मगर चलिए मान्या वो तो आपको यहाँ पे हम नॉकआउट देखेंगे। और ट्रॉय सब नॉक करेंगे, एक ओपी को जॉनथन मेहता डीबीएस डाउन करेंगे, विद स्कॉट बार्ट तीन प्लेयर को डाउन करने के बाद फाइनली ट्रिगर आए, ट्रिगर इज द लास्ट प्लेयर, जिगल जिगल जिगल, बट नहीं godlike esports पे फाइट ले रहे हैं, इकलौते खिलाड़ी अपनी टीम के लिए अभी तक मिडवे वो कमबैक करते हुए हमें देखने को मिले थे, लेकिन यहां पे फंसते हुए एक एक करके उनके सारे प्लेयर्स को इस मुकाबले से बाहर, अगेन टीम ब्लाइंड, फिर से एक थर्ड पार्टी में हमें आते हुए देखने को मिल जाएंगे। इस टीम को हो क्या गया है, जो भी फाइट कर रहे हैं उनके पास आ रहे हैं, उनको समाप्त कर रहे हैं, और आप देखिए रेवेनेंट ने वही इनके साथ किया, लेकिन एमजे उनको इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। अपोलो की डीएचपी कुछ खास उतनी अच्छी नहीं, रोक सको तो रोक लो, क्योंकि इनको रोक पाना बहुत डिफिकल्ट इस मुकाबले में। फियर्स पीछे हटने पे मजबूर, लेकिन सकते, लेकिन पीछे से वो कवर फायर आता हुआ देखने को मिला, इसकी को भी यहाँ पे टेक डाउन करने में कामयाब खेलते, और अगेन एक और नॉक आतंकी को भी टेक डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं। इस फाइट्स में हम आते हुए देखने को मिल जाएंगे, नॉक्स यहाँ पे निकलते हुए, डेल्टा पीजी एक अच्छे फॉर्म में चल रहे थे इस मैच में, लेकिन उन्हें यहाँ पे रोका जाएगा, बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि सुपर बॉय आए थे, लेकिन सुपर बॉय को भी नॉकआउट करने में कामयाब, उनको भी ग्रेनेड से मुश्किलों में डाला जा रहा है। मल्टीपल फाइट्स, आई मीन तीसरे स्टेज पे हम जा रहे हैं, इतनी क्या जल्दी होगी, बट जॉनथन क्या ये ग्रेनेड कनेक्ट करा पाएंगे, चांसेस तो लग रहे क्योंकि काफी अच्छे तरीके से क्या, और फाइनली वो कनेक्ट कराएंगे। एक एओपी जो एक अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, वो मोमेंटम मिला था, उन्हें डाउन किया जाएगा। आप डाल लेते हैं तो अपने आप को आप टॉप थ्री तक बरकरार में आपको कामयाब मिल सकते हैं, बट जॉनथन एक बार फिर से कर जरूर सकते, देखिए वन ऑन कर सकते अपने डीपीएस के चलते, लेकिन नहीं, मैं तो ग्रेड के चलते इसको फ्रैग कंफर्म, देखिए कॉन्फिडेंस के द्वारा जी हाँ, गॉड्स रेन जो कि अपने फैमिली डॉक्टर वो भी कर लेना चाहते थे, लेकिन ये बहुत बेहतरीन स्प्रे आता हुआ चो गॉड के द्वारा, ये एक अंडर गॉड खिलाड़ी जो यहाँ पर गॉड्स रेन को मुश्किलों में डालता हुआ हो सकता है, बट अभी जॉर्डन एक जो एंगल लिए हुए वहां से बहुत परेशानियां बढ़ेंगी। फियर्स डाउन, अपोलो डाउन करेंगे प्रिंस को, अपोलो खुद डाउन होंगे यहाँ पे क्रॉस फायर में, और देखते ही देखते एक एक करके रेवेनेंट के तीन प्लेयर्स आई थिंक डाउन हो चुके हैं यहाँ पे इस टाइम पे। वन भी आई थिंक इट्स वन वी वन का ही सिचुएशन था, बट जस्टिन खत्म करेंगे God's Reign को, बट अब आ चुकी है टीम X-Pac थर्ड पार्टी के लिए, अब मुश्किलें बढ़ने वाली है यहाँ पे ग्लैडिएटर्स के लिए, बहुत ज्यादा डेस्ट्रो नॉक, डेस्ट्रो को यहाँ पे खत्म किया जाएगा, एक फ्री फिनिश मिलता है, इट्स अ 1v3 सिचुएशन। जस्टिन के हाथ में नेड है, देखते हैं क्या उस नेड से वो कमाल करेंगे, कंपाउंड है हाथ में डीप, उनको नॉक एंड फिनिश किया जाएगा ब्लाइंड के द्वारा, ये फाइट तो हिल पे होनी ही होनी है। बांटी डाउन करेंगे प्रिंस को पूरी तरीके से अपने उस ग्रेनेड से, बट जी गॉड S12 के उनके हाथ में सारंगा एक कार लेके, बट आराम से उन्हें डाउन किया गया। आदित्य पीछे उन्हें डाउन एंड एक एक करके गॉड लाइक यहाँ पे पत्तों की तरह टीम X-Pac के प्लेयर्स को बिखेरती हुई आखिरी प्लेयर पुकार, क्या वो यहाँ पे अपने टीम की पुकार लगा पाएंगे।
लोन सोलो लेट्स सी नहीं नहीं ना पे रहेगी एक क्लच आना मुश्किल ओपन में बहुत ज्यादा हो जाता है यांकी हार्ड कवर हो फिर भी आप निकाल सकते हो लाल आउट है काफी ज्यादा डैमेज एंड देयर वी गो